भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन के दौरान चुनावी मूड में नजर आए डिप्टी सीएम केशव मौर्य। जी हां, केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो बूथ हम विधानसभा चुनाव में हार गए थे, उस बूथ को जीतने का लक्ष्य लेकर चलिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 75+ सांसद संसद में भेजना है। कार्यकर्ताओं ने से कहा कि चिंता मत कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कीजिएगा। उस भरोसे लायक क्या कोई देश में नेता है? क्या कोई मोदी जी का टक्कर का नेता है? विश्वास युक्त युग निर्माता मोदी जी हैं। ऐसा धरती पर एक ही बार हुआ है, वहाँ आए हैं देश और दुनिया में इस स्थान को गौरवशाली प्रभावशाली भूमिका दिलाने के लिए, जिसे विश्व गुरु कहते हैं, वह बनाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। कम से कम 25 साल तक दूसरा नजर दल नहीं आएगा। अगर लगातार 25 साल तक भाजपा रही तो कार्यकर्ताओं के मन में जो आता है कि किसी सदन तक पहुंचे, विधायक बने, सांसद बने, MLC बने। आजकल आवेदन देने वालों की संख्या बढ़ गई है। अगर 25 साल तक भाजपा रही तो कोई प्रमुख कार्यकर्ता सदन तक जाने से वंचित रह जाएगा। ये थी हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा साहब का गोरखपुर में क्षेत्रीय जो हमारे कार्यालय होते हैं उसमें क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन का कार्यक्रम था और गरीब कल्याण रैली का कार्यक्रम था, तो उसमें आए हुए थे और वर्चुअली उन्होंने सभी 8 कार्यालय जो इस समय बन के तैयार हुए, उसमें अयोध्या जनपद और महानगर का भी कार्यालय था, उसमें मुझे रहने का सौभाग्य मिला है। हम लोग मानते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए जो कार्यालय है वो कार्यालय नहीं बल्कि वह एक मंदिर है, और संगठन का कार्यकर्ता उसे अपना मंदिर की तरह मान करके और उस कार्यालय के माध्यम से संगठन को मजबूत बनाए, संगठन को आगे बढ़ाए और लंबे समय तक भाजपा की सरकार जो देश प्रदेश में है वो बनाए रखें, ऐसा आज हम लोगों ने आह्वान किया है। दूसरा मेरा कार्यक्रम एक अमृत सरोवर योजना है, जिसके क्रम में अभी अमृत सरोवर योजना का एक शिलान्यास करने जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के जो हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, उनका जन्मोत्सव समारोह है, उस आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे, उनको प्रणाम करने के लिए जाएंगे, शुभकामना देने के लिए जाएंगे, और फिर गांधी पार्क जो है वहाँ पर एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और अभी प्रशासनिक बैठक है उसके लिए आए। सर, ओम प्रकाश राजपूत जैसे नेता जो है जो समाज गठबंधन में नाराज है, उनसे क्या BJP में उनके आने की बात की जा रही है, क्या स्वागत है उनका? मुझे लगता है कि भाजपा बहुत मजबूत है, भाजपा तेजी से आगे बढ़ रही है। टुकटुक ढाबा एंट्री लेक्स पॉइंट का फिरोज खान का बनने की उद्घाटन। अयोध्या रौनाही से खबर है कि अयोध्या के रौनाही टोल प्लाजा के पास टुकटुक ढाबा और रिलैक्स पॉइंट का उद्घाटन फिरोज खान गब्बर विधायक पूर्व विधायक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी द्वारा फीता काट कर किया गया। वहीं टुकटुक ढाबा एंड रिलैक्स पॉइंट के प्रोप्राइटर ठाकुर मंगल सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ वेज और नॉन वेज खाने की पूरी रेंज उपलब्ध है। यहाँ पर अनुभवी कारीगरों द्वारा स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। वहीं पर्यटकों और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए हम लोगों ने भोजन और ठहरने की अच्छी व्यवस्था की है। श्री सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ वेज और नॉन वेज खाने के साथ सभी मांगलिक कार्यों पर बुकिंग की विशेष व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर मटका रसगुल्ला की स्पेशल व्यवस्था है। मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए फिरोज खान गब्बर ने कहा कि लखनऊ हाईवे रौनाही टोल प्लाजा पर यह ढाबा खुल जाने से अयोध्या और लखनऊ जाने वालों को वेज और नॉन वेज भोजन के लिए उत्तम स्थान मिलेगा। वहीं उद्घाटन अवसर पर विजय सिंह, सोयब खान, दीपू सिंह, धीरेन्द्र सिंह, अश्वनी सिंह गोरखपुर, मयंक सिंह, अन्य तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मंगल सिंह प्रोप्राइटर NH20 रौनाही टोल प्लाजा के पास में मेरा ढाबा है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। बेहतर सुविधाओं के साथ सारी चीज़ें, स्नैक्स और वेज नॉन वेज सारी व्यवस्थाएं कुशल कारीगरों द्वारा यहाँ पे जो है आपको बेहतर सुविधा दी जाएगी। बाकी हमारे यहाँ का स्पेशल रसगुल्ला है, एक बार आके जरूर ट्राई करें। चाय और पकौड़ी जो हमारी विशेषता है, आप एक बार सेवा का अवसर दें। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है और अपने प्रतिष्ठान को सफल बनाएं। कौन लोग आए उद्घाटन समारोह में? हमारे बड़े भाई और गार्जियन जो है गब्बर भैया आए हुए थे, जिन्होंने उद्घाटन किया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा पूरा संरक्षण और आशीर्वाद रहेगा, ढाबा को चलाने में हर तरीके की पूरी मदद संभवतः से की जाएगी। पारिवारिक तरीके से हमारा उनका संबंध है, बड़े भाई के तरीके से आए, अपना कीमती वक्त दिए,
क्या नाम है आपका? जी मंगल सिंह। खबर अयोध्या से है, जहां पर अखिल भारतीय सूर्यवंशी और क्षत्रिय महासभा एवं श्री राम जानकी मंदिर सेवा संस्थान द्वारा श्री सीताराम धुन माता गंगा हवन एवं भंडारे का विशाल आयोजन किया गया। अखिल भारतीय सूर्यवंशी और क्षत्रिय महासभा अयोध्या उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड एवं श्री राम जानकी मंदिर सेवा संस्थान टेढ़ी बाजार चौराहा अयोध्या धाम द्वारा 8 जून को श्री सीताराम धुन एवं 9 जून को माँ गंगा कथा हवन, उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह सारा कार्यक्रम पुरोहित राकेश कुमार मिश्र द्वारा संपन्न कराया गया। संस्थान के अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, हमारी संस्था और श्री राम जानकी मंदिर सेवा संस्थान के तत्वाधान में संस्थान के पदाधिकारियों और मेंबरों द्वारा एकत्रित होकर 8 जून को श्री सीताराम धुन और 9 जून को विधिवत माँ गंगा कथा, उसके बाद विधिवत हवन करने के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों हजार भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। संस्था के अध्यक्ष श्री सिंह ने बताया, समय समय पर हमारे मंदिर और संस्थान द्वारा सामाजिक कार्य किए जाते रहते हैं। अब जल्द ही मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इस कार्यक्रम को कराने में संस्था के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य विशेष योगदान दिए। क्या कार्यक्रम चल रहा है? कार्यक्रम यहाँ जो है मतलब राम धुनी चल रहा था, अभी तक यज्ञ हवन हुआ है, प्रसाद वितरण का जो है व्यवस्था है, यही सब है जो है। अब जब भी मीटिंग होगा जो है हमारे यहाँ जो है समाज का। क्या नाम है आप? हमारा द्वारिका सिंह नाम है, हाँ गोंडा से। आज के जो अखिल भारतीय हो रहा है क्षत्रिय है, आज गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में हम लोग चूल्हा चावल और पानी ये सब के उपलक्ष्य में सब समाज को देखते हुए सारे लोग उचित व्यवस्था में सारा योगदान। क्या कार्यक्रम? कल राम नाम का जाप था 24 घंटा चला, उसके बाद कथा हुआ है, उसके बाद गंगा जी का जो कथाएँ थी पंडित जी ने बताया हम लोगों को, हम लोग इस सहयोग हमारे पूरे समाज का है, कोई एक का नहीं है, सारे समाज का, जितने भी पूरे जिले से लोग आए हुए हैं, हरदा जिले से लोग आए हुए हैं, उनके सारे सबका सहयोग। आप मानसिंह अध्यक्ष हूँ मैं।